Creating complex formulas. जिस के जरिए आप किसी कंपनी की इन्वेंट्री, फाइनेंस, घर का बजट और ऐसे तमाम हिसाब किताब के काम बआसानी कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज या पेचीदा फॉर्मूलों को समझना होगा। इस लेसन में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कॉम्प्लेक्स या पेचीदा फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या हैं? सेल रेफरेंस के मुताबिक फिल फॉर्मूला और कॉपी फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज सादा फार्मूलों में एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, मसलन 5 + 5। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले में एक से जायद मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मसलन 5 + 5 - 2। जब एक फार्मूला में एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हों, तो हमें एक्सेल में फार्मूला लिखते वक्त ये बताना पड़ता है कि इस फार्मूले में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन या हिसाबी अमल पहले कैलकुलेट होना चाहिए। एक्सेल में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिखने से पहले हमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को समझना पड़ेगा। आइए इसके बारे में सीखते हैं। एक्सेल मैथमेटिकल फार्मूलाज को इस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के लिहाज से कैलकुलेट करता है। कोसाइन या पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखा हो, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन जैसे किसी नंबर पर टू द पावर ऑफ लिखा हो, ज़र्ब या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या तकसीम, इन दोनों में जो भी पहले लिखा हो, एडिशन या जमा और सब्ट्रैक्शन या तफरीक, इन दोनों में जो भी पहले लिखा हो। इस मिसाल से आपको वजाहत होगी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का किस तरह ख्याल रखना है। एक्सेल सबसे पहले कोसाइन या पैरेंथेसिस वाले हिसाबी अमल को हल करेगा। कोसाइन 19 * 1.99 = 37.81 white lily seeds और कोसाइन 33 * 1.99 = 65.67 total lily seeds। दूसरे मरहले में व्हाइट लिली सीड्स की अमाउंट को टोटल पैटी लिली सीड्स की अमाउंट पर तकसीम किया जाएगा। 37.81 / 65.67 = 0.5758। आखिर में फीसद निकालने के लिए टोटल अमाउंट को 100 से ज़र्ब या मल्टीप्लाई किया जाएगा। 0.5758 * 100 = 57.58। आपने इस मिसाल से देखा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की क्या अहमियत है। अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का ख्याल न रखा जाए तो एक्सेल कभी भी दुरुस्त कैलकुलेशंस नहीं कर सकता। टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, इस मिसाल में हम सेल रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें पौधों की एक नर्सरी की मिसाल ली गई है। जिस सेल में रिजल्ट दिखाना हो उस पर क्लिक करें, मसलन F11 पर क्लिक करें, इक्वल साइन टाइप करें, ओपन पेरेंथीसिस या कोसाइन टाइप करें और फिर इस सेल पर क्लिक करें जिसमें फॉर्मूले की पहली वैल्यू दर्ज हो, मिसाल के तौर पर F4। अब पहला मैथमेटिकल ऑपरेटर लिखें, मसलन हमने जमा या एडिशन का साइन प्लस लिखा। अब फॉर्मूले में दूसरी वैल्यू दर्ज करने के लिए सेल F5 पर क्लिक करें, कोसाइन को बंद करें। अब अगला मैथमेटिकल ऑपरेटर टाइप करें, यहां हमने ज़र्ब या मल्टीप्लिकेशन साइन स्टेरिक लिखा है। फॉर्मूला की अगली वैल्यू या रकम टाइप करें, मिसाल के तौर पर 5.5% टैक्स के लिए 0.055। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें, आपका लिखा हुआ फॉर्मूला
कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ आपको 2.2 टैक्स की रकम रिजल्ट के तौर पर नजर आ रही है। याद रखें कि एक्सेल आपको कभी ये नहीं जाहिर करेगा कि आपका फॉर्मूला दुरुस्त है या गलत, क्योंकि अगर फॉर्मूला लिखने में गलती होगी तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा और पूरी वर्कशीट इससे मुतासिर होगी। इसलिए ये आप पर मुनासिब है कि आप अपने तमाम फॉर्मूलों को अच्छी तरह चेक करें ताकि गलती से बचा जा सके। वर्किंग विद सेल रेफरेंसेस बिल्कुल दुरुस्त और एक्यूरेट फॉर्मूला बनाने के लिए जरूरी है कि इस अमल को समझा जाए कि जब वर्कशीट में नए सेल्स का इजाफा किया जाए तो सेल रेफरेंस किस तरह काम करता है, ताकि नए सेल में डाटा इंसर्ट करने पर खुद ब खुद कैलकुलेशंस हो सकें। रिलेटिव रेफरेंसेस, जब आप मुख्तलिफ कॉलम्स या रोज पर एक ही सेम कैलकुलेशन करना चाहते हों तो रिलेटिव रेफरेंस के तरीके को अपनाते हुए आप अपना वक्त बचा सकते हैं। अब हम आपके सामने एक मिसाल डिस्कस करते हैं। यहां हम रो नंबर 4 के अंदर सेल रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मूला बनाएंगे और हर महीने के पानी और बिजली के बिलों की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक्सेल खुद ब खुद ही इन महीनों के बिलों को कैलकुलेट कर लेगा। जिस सेल में फॉर्मूला लगाना हो उसको पहले सिलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर B4। अब इस सेल में फॉर्मूला लिखें जिससे कैलकुलेशन करनी है, मसलन B2+B3। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये देखें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया 166.60। अब फॉर्मूला कॉपी करने के लिए सेल B4 पर क्लिक करके सेलेक्ट करें और फिर होम टैब में कॉपी की कमांड पर क्लिक करें। अब उन सेल्स को सिलेक्ट करें जिनमें आपने फॉर्मूला पेस्ट करना हो और फिर होम टैब से पेस्ट कमांड को क्लिक करें। आपका फॉर्मूला रिलेटिव रेफरेंस के मुताबिक इन सिलेक्टेड सेल्स पर लागू हो गया है और वैल्यूज भी कैलकुलेट हो गई। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस अक्सर औकात आपको सेल रेफरेंस के लिहाज से कैलकुलेशंस नहीं करनी होती, बल्कि किसी एक खास रो या कॉलम पर खास फॉर्मूला लागू करना होता है। इस मकसद के लिए आप एब्सोल्यूट रेफरेंस का तरीका इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए आप फॉर्मूला में डॉलर साइन का इजाफा करते हैं। इसको कॉलम रेफरेंस या रो रेफरेंस या फिर इन दोनों से पहले लगाते हैं। अब हम एक मिसाल को जेरे बहस लाकर एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझते हैं। इस मिसाल में हम मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। हम इस मिसाल में कॉलम बी जो कि सेल्स टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पर एब्सोल्यूट रेफरेंस का तरीका अप्लाई करेंगे। जिस सेल में फॉर्मूला लागू करना हो उसको सिलेक्ट करें। यहां हमने 4C को सिलेक्ट किया है। इक्वल साइन टाइप करें और फॉर्मूले के हिसाब से पहले आने वाली वैल्यू के सेल पर क्लिक करें। हमने B4 को क्लिक कर दिया। अब फॉर्मूले में आने वाला पहला मैथमेटिकल ऑपरेटर टाइप करें। हमने यहां मल्टीप्लीकेशन साइन स्टेरिक लिख दिया है। डॉलर साइन टाइप करें और इसके बाद कॉलम लेटर यानी कॉलम का रेफरेंस टाइप करें। ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल शुमार होगा। यहां हमने कॉलम बी को सिलेक्ट किया है। डॉलर साइन टाइप करें और रो नंबर लिखें। हमने 1 लिखा। अब इस फॉर्मूले को रन करने के लिए कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। आपका फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा और आपके पास एक रकम 0.55 आ जाएगी। जिस सेल में ये फॉर्मूला कॉपी करना हो उसको सिलेक्ट करें। यहां हमने C4 सेल को सिलेक्ट किया है। अब होम टैब से कॉपी कमांड पर क्लिक करें। जिस सेल में फॉर्मूला पेस्ट करना हो उसे सिलेक्ट करके होम टैब से पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। आपका फॉर्मूला एब्सोल्यूट रेफरेंस के तरीके के मुताबिक कैलकुलेट हो गया है।
जब हम फॉर्मूला लिख रहे हों उस वक्त आप कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करके फॉर्मूला को एब्सोल्यूट या रिलेटिव रेफरेंस में तब्दील कर सकते हैं। ये एक निस्बतन आसान और तेज तरीका है। वर्किंग विद बेसिक फंक्शंस। एक्सेल में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज बनाना खासा मेहनत तलब और तवज्जो तलब काम है। खुशकिस्मती से एक्सेल में पहले से हमारी सहूलत के लिए फंक्शंस की एक खासी बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करने के लिए फंक्शंस और फॉर्मूलाज होते हैं और आप उनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आप कुछ कॉमन फंक्शंस से वाकिफ होंगे, जैसे सम, एवरेज, प्रोडक्ट और काउंट वगैरह। लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं कि एक्सेल में सैकड़ों फंक्शंस मौजूद हैं, जिनसे आप रेफरेंसिंग सेल्स, कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल रेट्स, एनालाइजिंग स्टेटिस्टिक्स और यहां तक के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। बेसिक फंक्शंस। असल में फंक्शन एक प्री डिफाइंड या पहले से बना हुआ फॉर्मूला होता है, जो एक खास ऑर्डर में लिखी गई वैल्यूज को कैलकुलेट करने की सलाहियत रखता है। फंक्शंस का एक बड़ा फायदा यह है कि ये आपका वक्त और मेहनत दोनों बचाते हैं। फंक्शंस को समझने के लिए कि ये किस तरह कैलकुलेशंस करते हैं, पहले हमें फंक्शन के मुख्तलिफ हिस्सों को समझना होगा। द पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन को एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना बहुत ज्यादा अहम होता है। हर फंक्शन का एक खास ऑर्डर होता है, जिसको सिंटैक्स कहते हैं। इस सिंटैक्स को सही ऑर्डर में लिखने से ही हमें करेक्ट रिजल्ट या दुरुस्त नतीजा मिलता है। किसी फॉर्मूला को फंक्शन बनाने के लिए बेसिक सिंटैक्स ये है। इक्वल साइन, फंक्शन नेम, सम फॉर एग्जांपल, और आर्ग्यूमेंट या दलील। आर्ग्यूमेंट में ये इंफॉर्मेशन होती है कि ये फॉर्मूला किस तरह या किन शराइत पर कैलकुलेट होगा। मिसाल के तौर पर, जब हम एक फॉर्मूले में सेल रेंज बताते हैं, ये इस फॉर्मूले का आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। आर्ग्यूमेंट्स हमेशा कोसाइन या पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं और हर सेल की वैल्यूज का रेफरेंस इन कोसाइन या पैरेंथेसिस के अंदर कॉलन या कॉमा लगाकर लिखा जाता है। फॉर्मूला में कॉलन्स का मतलब सेल रेंज का रेफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर ये फॉर्मूला इज इक्वल साइन एवरेज कोसाइन E19 कॉलन E23। सेल E19 से सेल E23 तक की सेल रेंज की एवरेज को कैलकुलेट करेगा। फॉर्मूला में कॉमा से हर सेल की इंडिविजुअल वैल्यू अलहदा होती है। इसके अलावा सेल रेंज और सेल रेफरेंस भी पैरेंथेसिस में अलहदा अलहदा रिप्रेजेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर ये फॉर्मूला इक्वल साइन काउंट कोसाइन C6 कॉलन C14 कॉमा C19 कॉलन C23 कॉमा C28 तीन मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स की कैलकुलेशंस को जाहिर कर रहा है। टू क्रिएट अ बेसिक फंक्शन इन एक्सेल। जिस सेल में आप रिजल्ट शो करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, इक्वल साइन टाइप करें और फिर फंक्शन का नाम एंटर करें। मिसाल के तौर पर सम फंक्शन। अब पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट के लिए सेल नंबर्स लिखें। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। पाक रुपी 450.85। ये याद रखें कि फॉर्मूला की तरह एक्सेल आपको कभी ये नहीं जाहिर करेगा कि आपका फंक्शन दुरुस्त है या गलत, क्योंकि अगर फंक्शन लिखने में गलती होगी तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा और पूरी वर्कशीट इससे मुतासिर होगी। यूजिंग ऑटोसम टू सिलेक्ट कॉमन फंक्शंस। ऑटोसम कमांड आपको सेल रेंज में से कॉमन फंक्शंस जैसे सम और एवरेज को कैलकुलेट करके रिजल्ट देती है। उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट दिखाना हो। होम टैब पर क्लिक करें। एडिटिंग ग्रुप में जाएं। ऑटोसम कमांड के
ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलें और इस मेन्यू से एक फंक्शन को सिलेक्ट करें। मसलन यहां हमने एवरेज को मुंतखब किया है। सेल E24 में आपका फॉर्मूला जाहिर हो जाएगा। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये रहा आपका रिजल्ट, पाक रुपी 11.24। ये ऑटोसम कमांड आपको रिबन पर मौजूद फॉर्मूला टैब में भी मिल जाएगी। द फंक्शन लाइब्रेरी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैकड़ों फंक्शंस मौजूद हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनमें से चंद ही आपके काम आए, इसलिए आपको हर फंक्शन को अलग-अलग सीखने की जरूरत नहीं है। उन फंक्शंस में से अपने काम के मुताबिक फंक्शन को तलाश करके आप उस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम जरूर करें कि उन सब फंक्शंस को एक्सप्लोर कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में इन फंक्शंस को एक्सप्लोर करने की बेहतरीन जगह फंक्शंस लाइब्रेरी है, जो आपको रिबन में फॉर्मूला टैब में मिलेगी। इस फंक्शन लाइब्रेरी में आप मुख्तलिफ फंक्शंस को सर्च कर सकते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी में मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाकर उनमें फंक्शंस को रखा गया है, ताकि किसी भी फंक्शन को उसकी कैटेगरी के लिहाज से जल्दी और आसानी से सर्च आउट किया जा सके। आइए हम भी इस फंक्शन लाइब्रेरी को जरा एक्सप्लोर कर लें। फॉर्मूला टैब में जाएं, आपको मुख्तलिफ कमांड्स नजर आ रही हैं। इंसर्ट फंक्शन, फॉर्मूला टैब में ये पहली कमांड है। यहां से आप आसानी से अपनी मर्जी और काम के लिहाज से फंक्शन को सर्च कर सकते हैं। यहां आप अपनी रिक्वायरमेंट को डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर या नीचे सिलेक्ट ए कैटेगरी के ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी मर्जी का फंक्शन तलाश कर सकते हैं। ऑटोसम, ऑटोसम की कमांड में आपको कुछ कॉमन फंक्शंस यानी ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जो वर्कशीट में ज्यादातर कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन जिनमें सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स या मैक्सिमम, मिन या मिनिमम वगैरह शामिल हैं। रिसेंटली यूज्ड, इसमें उन फंक्शंस की लिस्ट होती है जिन्हें हमने पहले अपनी वर्कशीट में इस्तेमाल किया हो या जिन फंक्शन के साथ हमने हाल ही में काम किया हो। फाइनेंशियल, इस कैटेगरी कमांड में आपको फाइनेंशियल फंक्शन मिलेंगे। मसलन डिटरमिनिंग पेमेंट PMT या लोन इंटरेस्ट रेट वगैरह। लॉजिकल, इस कैटेगरी में वो फंक्शंस होते हैं जिनमें मंतकी या लॉजिकल कंडीशंस और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मसलन फॉल्स, नॉट और एंड इफ वगैरह। टेक्स्ट, इस कैटेगरी में वो फंक्शंस शामिल होते हैं जिनमें टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स पर कैलकुलेशंस नहीं बल्कि कोई टास्क परफॉर्म की जाए, मसलन टेक्स्ट को लोअर केस में तब्दील करना या किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना वगैरह। डेट एंड टाइम, अगर हमने डेट टाइम के हिसाब से वर्कशीट में काम करना हो तो हम इस कैटेगरी के फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। डेट टाइम फंक्शन से हम करंट डेट, सेकेंड्स या मिनट वगैरह को वर्कशीट में शो करवा सकते हैं। इन फंक्शंस में मिनट, आवर, डेज 360, डे, डेट वैल्यू वगैरह काबिले जिक्र हैं। लुकअप एंड रेफरेंस, इस कैटेगरी के फंक्शंस हमें फाइंडिंग एंड रेफरेंसिंग की सूरत में रिजल्ट देते हैं। फाइंडिंग एंड रेफरेंसिंग से मुराद है किसी चीज को तलाश करना और उसका हवाला देना। इस कैटेगरी में कॉलम, इंडेक्स, एड्रेस, हाइपरलिंक वगैरह शामिल हैं। मैथ एंड ट्रिग, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री यानी इस कैटेगरी के फंक्शंस न्यूमेरिकल आर्गुमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन जैसे आपने वैल्यूज को राउंड करना हो, पाई की वैल्यू निकालनी हो, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करना हो या सब टोटल करना हो। ऐसी मैथमेटिकल
और ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशंस के लिए ये फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। मोर फंक्शंस। इस कमांड में मजीद कैटेगरीज के फंक्शंस शामिल हैं, मसलन इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिकल, क्यू या कंपैटिबिलिटी के फंक्शंस। टू इंसर्ट अ फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी। जिस सेल में जवाब या रिजल्ट शो करना हो उसको सिलेक्ट करें। फार्मूला टैब पर क्लिक करें। फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप से फंक्शन कैटेगरी को सिलेक्ट करें। जैसे इस मिसाल में हमने डेट एंड टाइम की कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। अब डेट एंड टाइम कैटेगरी की ड्रॉप डाउन मेन्यू से नेटवर्क डेज का फंक्शन सिलेक्ट करें। नेटवर्क डेज का फंक्शन हमें हमारी वर्कशीट से ऑर्डर डेट और रिसीव डेट के दरमियान दोनों को कैलकुलेट करके देगा। अब आपके सामने फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आ गया है। अपने कर्सर को पहली फील्ड यानी स्टार्ट अंडरस्कोर डेट में रखें और माउस पॉइंटर से ऑर्डर डेट के कॉलम में सेल G6 को सिलेक्ट करें। अब कर्सर इससे अगली फील्ड एंड अंडरस्कोर डेट में ले जाएं और माउस पॉइंटर से डेट रिसीव्ड के कॉलम में H6 सेल को सिलेक्ट करें। ओके बटन क्लिक करें और ये हमारा रिजल्ट शो हो गया। 5 days यानी इन दोनों तारीखों के दरमियान 5 दिन का फर्क है। द इंसर्ट फंक्शन कमांड। इस कमांड की मदद से हम वर्कशीट में बहुत आसानी से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए आप किसी फंक्शन को उसकी डिस्क्रिप्शन देकर आसानी से सर्च कर सकते हैं। यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन कमांड। इस मिसाल में हम ऐसा फंक्शन तलाश करना चाहते हैं जो हमारी ऑफिस सप्लाई ऑर्डर लॉग से तमाम सप्लाईज को काउंट करके हमें रिजल्ट दे। बेसिक काउंट फंक्शन सिर्फ सेल्स को उनके नंबर्स के हिसाब से काउंट करता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा काउंट फंक्शन इस वर्कशीट के ऑफिस सप्लाई कॉलम में से गिनती करे जबकि इस कॉलम में टेक्स्ट डेटा दर्ज है। तो इस मकसद के लिए हमें ऐसा फंक्शन तलाश करना होगा जो सेल को उनके टैक्स डेटा के साथ काउंट या गिनती करे। सबसे पहले वो सेल सिलेक्ट करें जिसमें रिजल्ट दिखाना हो। फार्मूला टैब पर क्लिक करें और इंसर्ट फंक्शन की कमांड को सिलेक्ट करें। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहां सर्च फॉर अ फंक्शन की ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन लिखें कि आप क्या कैलकुलेशन करवाना चाहती हैं। मसलन आप यहां लिखें काउंट नंबर विद टेक्स्ट और गो बटन को क्लिक करें। अब इस सर्च के नतीजे में जो रिजल्ट्स आए हैं उनका जायजा लें या उन्हें रिव्यू करें कि कौन सा फंक्शन आपकी जरूरत के मुताबिक है। यहां हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काउंट अ फंक्शन का इंतखाब बेहतर होगा। ओके पर क्लिक करें। अब आपके सामने फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स की पहली फील्ड में कर्सर को इंसर्ट करें और माउस पॉइंटर से इन सेल्स को सिलेक्ट करें जिनकी कैलकुलेशन करवानी है। यहां हमने सेल रेंज A6 से A14 तक को सिलेक्ट किया है। अब कर्सर को अगली फील्ड में इंसर्ट करें और आर्ग्यूमेंट के मुताबिक दूसरे सेल को सिलेक्ट करें। यहां हमने सेल रेंज A19 से A23 तक को सिलेक्ट किया है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक मजीद आर्ग्यूमेंट का इजाफा भी कर सकते हैं। ओके बटन क्लिक करें और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। यहां रिजल्ट शो कर रहा है टोटल 14 सप्लाईज।